हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आई होप कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जा रहे होंगे। तो इसी सिलसिले में इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का आप सभी लोगों के कमेंट आए कि आप सर इसका सॉल्वड वाला क्वेश्चन पेपर भी आप हमको प्रोवाइड कराइए। तो ये सॉल्व है, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, इनलिस्ट द जीएमपी कंसीडरेशन रिक्वायर्ड फॉर प्लॉट प्लांट स्टडीज। तो आप इन सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसकी पीडीएफ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसे हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है इसका। आप सभी लोग वीडियो पोस्ट करके इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसकी जो पीडीएफ लिंक है वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट इज़ द प्रोसेस वैलिडेशन? तो इसका आंसर है, व्हाट इज़ द मीन बाय द रेगुलेटरी अफेयर्स, बाय रेगुलेटरी अफेयर्स आर इनलिस्ट द फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये छठवां क्वेश्चन है। मैंने इसमें जितने भी आंसर दिए हैं वो थोड़ी शॉर्ट हैं, आप इन सभी के डिटेल में भी थोड़ा थोड़ा सा लिख सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे नंबर आ सकते हैं। एट द लेबोरेटरी विच गवर्न बाई द CDSCO, तो इन सब के नाम लिखे हुए हैं, COPP, इनको एक्सप्लेन। आप देखें, ये सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट है, आंसर नंबर 10वां। आप इन सभी की स्क्रीनशॉट बहुत ही आप अच्छे तरीके से ले सकते हैं। सिक्स सिग्मा प्रोसेस DMAIC, जिसका सेक्शन बी है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जो कि 10-10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। दो क्वेश्चन आपको करने होते हैं, हमने इसमें तीनों क्वेश्चन आप लोगों को बताए हुए हैं, तो आपने देख लीजिए। न्यू ड्रग एप्लीकेशंस हैं NDA, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर। इसको भी आप थोड़ा डिटेल में लिख सकते हैं, मैंने यहाँ इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं किया है, 10 नंबर में आता है। आप इसको कुछ और भी इसका पढ़ सकते हैं आप लोग, ये NDA और ANDA के डिफरेंस हैं। ये ANDA है, क्या होता है? ये इसका सी आंसर है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, तो WHO गाइडलाइंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जनरल, उसके प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, टेक्नोलॉजी इसका प्रोटोकॉल क्या होता है। आप इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और इसमें क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट भी है, QRM, जिसके आगे के क्वेश्चंस में भी एक है। इसके एनालिटिकल मेथड क्या क्या, इसके एनालिटिकल मेथड होते हैं, इसमें एजेंसीज कौन कौन सी आती हैं। तो मेनली इसमें आपको नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC लिखना है, तो NRDC कब बना हुआ है। इसके बाद अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, स्केल अप एंड पोस्ट अप्रूवल चेंजेस SUPAC, जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस, प्लॉट प्लांट एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, इस 7 नंबर का क्वेश्चन आता है 82 में, तो आप इसे उसी हिसाब से आप लोग उसे देख लीजिए, उसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से। और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन, तो आप मैंने जो हेडिंग्स लिखी हैं उनको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आंसर बी है, आंसर डी है, और जो सी वाला है वो कुछ क्वेश्चन उसमें सेम ही है, तो इस वजह से मैंने उसको रिपीट नहीं किया है। तो आप इसी वीडियो में
देख लीजिएगा, इसी पीडीएफ में उनके भी आंसर हैं। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशंस, INDA, ये आंसर नंबर एफ है। जैसे ऊपर क्वेश्चन जो है, एक वो QRM वाला है और एक सिक्स सिग्मा की प्रोसेस है, तो उसको ऊपर डिटेल में मैंने दिया हुआ है 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में, तो आप उन्हीं में से उनको देख सकते हैं। ISO 14000, 9000, आप इन सबको पढ़ सकते हैं एक बार। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, आप इसको पढ़कर जरूर जाइए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें से फंस ही जाते हैं। आंसर नंबर जी है NABL, नेशनल एग्रीगेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, NABL, ISO इसके प्रिंसिपल्स। इसकी नीड क्या होती है, स्कोप, एडवांटेज, तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ सकते हैं। और इसी में एक क्वेश्चन और साथ में है, OOS, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, तो आप इसको भी पढ़ लीजिए, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह इसमें दी हुई हैं। ओवरऑल मैंने इस पेपर में सब कुछ दिया हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा सॉल्व है। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्व मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा धीरे धीरे करके, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।